अगर मान लो मैंने वास्तु कम्प्लेट घर नहीं, नहीं लिया और मेरा वेस्ट अच्छा नहीं है तो यू यू डू सम रेमेडीज तब होता ऐसा मतलब आप of course, of course. आज आजकल भी सोशल मीडिया पर बड़ा एक इशू चल रहा है कि गौरव तनेजा एंड रितु राठी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनको रिलेशनशिप्स का कुछ इशू चल रहा है परमात्मा करे सब ठीक हो उनके यहाँ लेकिन आज की डेट में घर घर में वो रिलेशनशिप इशूज हैं तो अगर किसी के बीच में बहुत लड़ाई चल रही हो एंड आपको मतलब वो काम दिया जाए एज अ वास्तु कंसल्टेंट तो क्या हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी क्या कर सकते हैं एंड कितने दिन में रिज़ल्ट आ सकते हैं क्योंकि ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन हमें वेट करना पड़ेगा तो थोड़ा सा बताना कि हाउ मेनी डेज एंड रिलेशनशिप के लिए कौन सी डायरेक्शन या क्या कर सकते हैं अगर चालीस साल के पार का बंदा हो गया है तो उसको घर के बाहर अगर उसके मर्सिडीज कार नहीं खड़ी तो चल जाएगा लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए राइट सो so, एक ऐसा फैक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडर है बट जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे एक बार शो से पहले भी हमने डिस्कशन किया कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो so हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं कौन सी डायरेक्शन वो कर सकते हैं एंड uh, कितने और क्या बड़े इश्यूज पे भी हेल्थ का ये काम करेगी तो थोड़ा सा एक बार हेल्थ के के ऊपर डिस्कशन करते हैं वास्तु के से कि कैसे uh, कौन सी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसके लिए? मैं बहुत ही एक्चुअली थैंकफुल हूँ कि आपने ये टॉपिक छेड़ा नहीं तो यूजुअली लोग जैसे ही वास्तु आते हैं तो लोग पैसे की बात ज्यादा करते हैं हाँ. मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो धन है वो आपका मनी वाला धन नहीं है वो आपकी हेल्थ है पप्पा बड़े अमीर हैं मम्मा सब अच्छा कर रहे हैं फैमिली बहुत अच्छी है बच्चा आया लाइफ में एंड बड़ा भी हुआ बट इसकी जिंदगी में कोई फायर ही नहीं है क्योंकि माँ बाप के पास तो बहुत पैसा है बच्चे माँ बाप ने मेहनत भी बहुत करी है बच्चे के पास वही नहीं है फायर ही नहीं है कि पेट में आग ही नहीं है कि सक्सेसफुल हो इस करके अनएम्प्लॉयड भी है तो कैसे इसकी फायर जगाई जाए कैसे हम अपने यंगस्टर्स की फायर जगाएं ताकि हमारा देश

आप ही से मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से सुना है कि भाई ये वाला तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं चलेगा तो फिर क्या करूँ तोड़ू फोड़ू या रहने दू? क्या करूँ देखो वास्तु बिना तोड़ फोड़ हो सकता है बट दिस टर्म कंडीशन अप्लाई सो आजकल हमने देखा है कि कंसीबल इश्यूज बहुत हो रहे हैं मतलब बच्चा कंसीव हो जाता है बट होल्ड नहीं हो पा रहा जगह जगह आई वी एफ सेंटर खुले हुए हैं फीमेल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं उसकी वजह से कंसीबल नहीं हो रहा है तो वास्तु में उसके लिए कुछ है हमारे पास जो हम फॉलो कर सकते हैं जी जय श्री राम सभी लोगों को आत्मा नमस्ते सभी लोगों को राधे राधे जय श्रीराम आज हमारे साथ हैं बहुत ही अमेजिंग गेस्ट बहुत ही अमेजिंग गेस्ट जिनका नाम है दिव्या छाबड़ा जी वास्तु दिव्या के नाम से आपने बहुत सारा उनका कंटेंट कंज्यूम किया होगा देखा होगा कई सालों से जो है वो ये एच आर कॉपरेट में थी एंड लास्ट टेन ईयर से इतने सारे कमर्शियल्स का फैक्ट्रीज का शॉप्स का रेजिडेंशियल का आई ए एस का बहुत सारे व्याख्यात लोगों का ये वास्तु कर चुकी है बहुत सारी विद्याएं जानती हैं लेकिन वास्तु इसमें से एक मेन विद्या है जिसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे सो मिलते हैं एक ऐसी गेस्ट से जो बहुत लाइटनिंग है बहुत एक्टिव है बहुत पॉजिटिव है देखते ही आपको भी पॉजिटिविटी आती है मुझे भी आती है एंड एक बार एक बात होती है ना कि यार देखते ही वो पॉजिटिविटी आ जाती है तो अंदर से दिल खुश हो जाता है सो so आज बात करते हैं दिव्या छावड़ा जी से आत्मा नमस्ते दिव्या जी कैसे हैं आप नमस्ते जी जय श्री राम राधे राधे डॉक्टर बत्रा थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू फॉर रीचिंग आउट एंड सो हैप्पी टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बीन कॉमन इन बिटवीन यू नो आप बहुत ही अमेजिंगली काम कर रहे हैं

कोरोना के बाद हर किसी को पैसे की जरूरत है Correct. लेकिन वो पैसा उनको मिल नहीं रहा है कहीं ना कहीं से वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या फिर पैसा मिल भी रहा है तो ये दिक्कत आ रही है कि आ, हर एक तारीख को वो परेशान रहते हैं कि यार कैसे धंधा कैसे आगे बढ़ेगा तो इसके लिए क्या कौन सी डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है कैसे वास्तु वास्तुवाइस आगे बढ़ सकते हैं एंड वास्तु कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं और थोड़ा सा वास्तु है क्या ये भी डिस्कस कर लेते हैं और इस सिचुएशन में कैसे हेल्प करेगा कि लोगों को इतनी सांस आ जाए कि कम से कम वो अपना घर चला पाए ठीक है तो समझते हैं कई बार क्या होता तो है डॉक्टर बत्रा कि लोग मेहनत कर रहे हैं पर उनको रिजल्ट्स नहीं आते डील्स क्लोज़ तो हो रही है लेकिन उनकी जो पेमेंट्स हैं वो अटक के आ रही है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कॉल तो आते हैं बट आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड सो अगर सारी मेहनत कर रहे हो और देन कोई प्रॉब्लम आ रही है विच मीन्स कि कहीं ना कहीं वास्तु में जो है उनके कमी है ना वास्तु क्या है वास्तु जो है वो तुम्हारी लैंड जहाँ पे तुम रह रहे हो तुम्हारे घर तुम्हारे कमरे उनकी जो डायरेक्शनल एनर्जीज हैं उनको यूनिवर्स की एनर्जी से यूनिवर्स के बायलॉ से जो है अलाइन करना दैट इज वास्तु जहाँ जिन स्पेस पर हम रहते हैं उन स्पेसिस का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो अगर ऐसे में हमारी जो मेहनत है या जो इनर माइंडसेट है अगर वो बाहर की स्पेसिस से जो है उनके एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं तो हमारी स्पीड को रॉकेट लग जाते हैं और ऑन दी अदर हैंड कुछ भी खराब हो जाए लेट्स से कि आपके बाहर की एनर्जीज खराब हो गए आपके घर के डायरेक्शंस ख़राब हैं उसमें कुछ एंटी एलिमेंट्स हैं वास्तु दोष जिस चीज़ को लोग बोलते हैं तो वास्तु दोष है तो हम मेहनत कर रहे हैं उसके रिजल्ट नहीं आ रहे ऑन दी अदर हैंड एट द सेम टाइम आई सी पीपल जो वास्तु कंप्लाइंट हाउस लेकर के तो बैठे हैं और मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर क्या करेगी नॉर्थ की एंट्रेंस राइट right? तो ये तो हुआ आपका वास्तु का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अब समझते हैं कि मनी हीलिंग या पैसे आए कैसे नाउ मनी रिलेटेड आई अंडरस्टैंड देर आर मेजरली फोर प्रॉब्लम्स दैट पीपल कैन हैव पीपल कैन चूज़ टू हैव अ लॉर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स जो दस हज़ार करोड़ का आदमी है उसको भी पैसों की परेशानी है जो महीने का दस हज़ार कमा रहा है उसको भी पैसे की परेशानी है बट आफ्टर स्पीकिंग टू एंडलेस नंबर ऑफ पीपल आई हैव फिगर आउट की चार ही प्रॉब्लम्स हैं पैसे को लेकर के प्रॉब्लम नंबर वन इज़ कि तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं रही तुम्हें कोई काम आ ही नहीं रहा मेहनत क्या करोगे यू you नो know, तुम जा रहे हो मेहनत कर रहे हो बट तुम्हें लीड्स नहीं आ रही क्लाइंट्स आ ही नहीं रहे हैं तो आप क्या ही कर लोगे तो अगर ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है विच मीन्स तुम्हारे घर के नॉर्थ में इशू है घर के नॉर्थ की दिशा में अगर आपके लाल रंग आ गया है पिंक कलर आ गया है टॉयलेट आ गया है किचन आ गई है सो ऐसे जो नॉर्थ है वो क्या करेगा वो आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का क्लाइंट या अपॉर्चुनिटी आने ही नहीं देगा सो दैट इज़ टाइप ऑफ प्रॉब्लम नंबर वन तो जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही मे बी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही क्लाइंट नहीं आ रही सो दे शुड चेक द नॉर्थ ऑफ देयर हाउस और जो चीज़ें मैंने बोली हैं फॉर एग्जाम्पल इफ अ किचन और वट एवर तो उस चीज़ को वहाँ पर ट्रीटमेंट है इलाज है राइट तो तोड़ फोड़ में जाए बिना वो उसका इजिली इलाज कर सकते हैं बहुत ही क्विक फिक्सिस हैं इनके ये प्रॉब्लम नंबर वन प्रॉब्लम नंबर टू लेट्स से कि आपको प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं क्लाइंट तो आ रहा है पर मेरा क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहा या क्लाइंट शायद से कन्वर्ट भी हो जाता है लेकिन पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं पेमेंट एंड की आते आते मर गई uh, मेरा जो क्रेडिट पीरियड साइकिल था वो 45 डेज़ का था और 180 डेज तक पेमेंट आ ही नहीं रही है एक एक साल हो गए पेमेंट ढंग से नहीं आ रही एंड की मर गई पेमेंट सो विच मीन्स कि व्यक्ति के साउथ ईस्ट में जो है प्रॉब्लम है नाउ साउथ ईस्ट इज़ फायर एलिमेंट योर मनी इज़ ऑल्सो फायर यू नीड दैट फायर टू रन योर बिजनेस टू रन योर यू नो टू मीट योर डेली एंडज एंड एवरी थिंग अगर घर में जो फायर एलिमेंट की दिशा है वो खराब हो गई साउथ ईस्ट खराब हो गया साउथ खराब हो गया तो इस व्यक्ति को या तो यू नो डील्स इसकी आते आते वो तो ना बनते बनते काम हमारे बिगड़ जाते हैं कई बार लोगों का कहना होता है यार मैम हमारे ना नाइन्टी नाइन पॉइंट पर नाइन्टी नाइन परसेंट पर आकर के काम ना बिगड़ जाते हैं एंड टाइम पे आके काम बनते नहीं है एंड टाइम पे आके सो विच मीन्स तुम्हारे घर की साउथ ईस्ट दिशा में प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट जो कि फायर एलिमेंट की दिशा है वहाँ पर वाटर रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा तो आग और पानी जहाँ पर इकट्ठे हुए तो क्या हो रहा तो तो व्यक्ति के धूं उड़ेंगे तो यानी कि उसको पेमेंट रिलेटेड इश्यूज क्लोजिंग हिज डील्स रिलेटेड इश्यूज ये सारी चीज़ें आएंगी तो साउथ ईस्ट में ब्लू कलर ब्लैक कलर ग्रे कलर या फिर टॉयलेट होना अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना सेप्टिक टैंक या किसी भी प्रकार की स्विमिंग पूल होना वाटर रिलेटेड एक्टिविटी से आपको बचना है और अगर है तो आपको ये सारी दिक्कतें हंड्रेड परसेंट गारंटीड है आ रही होंगी लेट्स से व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है तुम्हारी तो डील्स क्लोज भी हो रही है और पेमेंट भी बढ़िया आ रही है पर जितनी हम मेहनत करते हैं ना तो उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आता यार या फिर ये हो सकता है कि अरे मेरी इंडस्ट्री में वो सेम टाइप का सेटअप लगाया हुआ है जो सेल्स पे प्रॉफिट मार्जिन उसको है वो प्रॉफिट मार्जिन हमें नहीं है सो अगर ऐसी कोई बातें हो रही है फिर जॉब वाला व्यक्ति कह सकता है कि भाई हमें तो बिल्कुल भी जो है अपने हिसाब से प्रमोशन नहीं मिल रहा नौकरी तो है हमारे पास प्रमोशन नहीं मिला इतनी इतनी एज हो गई है हम उसी प्रॉफिट्स पे स्टक हैं या उसी यू नो सैलरीज पे स्टक हैं दो चार पाँच परसेंट का इंक्रीमेंट क्या ही होता है तो अगर व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो विच मीन्स उसके घर के वेस्ट की दिशा वेस्ट की दिशा जो है वो मैनिफेस्टेशन की दिशा है वो प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा है वो जो आप कर्म कर रहे हो उसके रिजल्ट्स आने की दिशा है तो अगर व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं कार्य भी कर रहा हूँ पर मुझे उतना बेनिफिट नहीं हो रहा जिस हिसाब से मेरा हार्डवर्क है सो एनी हार्डवर्क पेइंग यू ऑफ इन प्रॉपर प्रॉफिट्स इज डेटमिन बाई इट्स वेस्ट नाउ वेस्ट जो है उसमें अगर किसी भी प्रकार से टॉयलेट आए या कई बार लोग वेस्ट में बालकनीज में प्लांट्स रख देते हैं विच इज़ अ वेरी कॉमन वास्तु दोष दैट आई सी तो वो प्लांट्स रखना भी वहाँ पर प्रॉब्लम कर देता है सो so, वेस्ट में अगर दोष है तो आप लोगों को प्रॉफिट से रिलेटेड या फिर एक होता है ना कि मेहनत के हिसाब से रिजल्ट आने में जो है वो लोगों को परेशानी होगी तो वेस्ट को लोगों को रेक्टिफाई करना चाहिए वहाँ के टॉयलेट को ट्रीट करें जिसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सिंपल यू नो वेरी क्विक फिक्सेस हैं पीपल कैन सी वंडर्स विद वेरी फ्यू मिनिमल चेंजेस इन द हाउस तो यू कैन क्रिएट प्रॉफिट्स बट अगेन फोकस इज कि कर्म प्रधान होना है.

यहाँ तक कि वेस्ट में बैठ करके काम करना भी शुरू कर दो उससे भी जो है आपकी प्रॉफिट्स जो है बहुत ही अच्छे होने शुरू हो जाते हैं माइंडसेट भी जो है वो फोकस्ड और प्रॉफिटेबल मैं कहता तो ना माइंड सेट कि हाँ हमें गोल्स ये वाले अचीव करने हैं तो माइंड भी वैसा बनता है नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम आती है कि व्यक्ति कह रहा है कि मुझे काम भी आ रहा है पैसे भी आ रहे हैं सब कुछ आ रहा है डील्स भी क्लोज़ हो रही हैं पेमेंट भी टाइम से आ रही है प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं पर मेरे घर में पैसे नहीं टिकते हैं मेरे घर में मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हैं खर्चे बहुत हैं इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही हाई हैं तो पैसे तो आते हैं पर घर में लक्ष्मी मेरी टिकती नहीं है अब घर में टिकाई का जोन कौन सा है घर में टिकने का या स्टेबल किसी भी चीज़ को घर में स्टेबल करने का जोन है साउथ वेस्ट सो साउथ वेस्ट जो है नृत्य कोण जिसको बोलते हैं तो अगर नृत्य कोण में अगर किसी प्रकार की कमी है लेट्स से नृत्य कोण में तुम्हारे टॉयलेट आ गया तो क्या होगा हर तरह की जो स्टेबिलिटी है वो फ्लश हो जाएगी अगर नृत्य कोण में आपने पेड़ पौधे लगा दिए हैं पौधे लगा दिए हैं तो प्रॉब्लम्स होंगे आप लोगों ने अगर नृत्य कोण में लेट्स से कि बहुत ज़्यादा गहरा ब्लू कलर भी आ गया है तो भी प्रॉब्लम आएगी तो स्टेबिलिटी के अगर इश्यूज हैं या नृत्य कोण को बहुत ज़्यादा खुला भी छोड़ दिया बिल्कुल ओपन टू स्काई छोड़ दिया है तो तब भी जो है लोगों को स्टेबिलिटी इशूज़ आएंगे और लोग अपने घरों में पैसा कमा तो पाएंगे बट उसको टिका नहीं पाएंगे उनके कोई ना कोई एक्सपेंडिचर्स जो हैं फालतू के लगे रहेंगे

ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स रेमेडीज जो है आ, उसके साथ ही जो है उसकी मदद से ही जो है अच्छा। आ, हम रिजल्ट्स लेते हैं अदरवाइज मॉडर्न डे वास्तवर आप देखेंगे मॉडर्न डे प्रॉपर्टीज आप देखेंगे लोग पीपल हैव टू हाई राइज बिल्डिंग्स सो दे कैन नॉट गेट एवरीथिंग है वो पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में हमें यू नो you know, लेनी तो पड़ती है हेल्प की एलिमेंटल बैलेंसिंग भी देखनी पड़ती है लोगों की पोजिशनिंग भी देखनी पड़ती है फर्नीचर की सेटिंग भी देखनी पड़ती है एंड देन एंड में रेमिडीज का मदद लेनी पड़ती है ये चारों डायरेक्शन को लेकर जो भी प्रॉब्लम है सही बहुत अच्छा बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग सो so, बड़ा अमेजिंग आपने बताया एंड आपने कैटेगराइज किया काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस से ठीक है चलो सो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं सो so, जैसा हम समझते हैं कि वेल्थ जो है वो खाली पैसा नहीं है अगर मेरी रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी हेल्थ स्ट्रगल कर रही है तो मैं वेल्थी अपने आप को नहीं कह सकता मैं अपने आप को वेल्थी तब कह सकता हूँ जब मेरे हेल्थ रिलेशनशिप करियर मनी सारे सेक्टर्स बैलेंस हो जैसे सलमान खान है तो सलमान खान सब कुछ कर रहा है बट शादी नहीं हुई उसकी तो ये जो चारों बैलेंस करने के लिए अगले पे आते हैं हम रिलेशनशिप पे जैसे आजकल भी सोशल मीडिया पे बड़ा एक इशू चल रहा है कि गौरव तनेजा एंड रितु राठी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनको रिलेशनशिप्स का कुछ इशू चल रहा है परमात्मा करे सब ठीक हो उनके यहाँ लेकिन आज की डेट में घर घर में वो रिलेशनशिप इशूज़ हैं तो अगर किसी के बीच में बहुत लड़ाई चल रही हो एंड आपको मतलब वो काम दिया जाए एज अ वास्तु कंसल्टेंट तो क्या हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी क्या कर सकते हैं

अगर वहाँ पे किसी प्रकार से लेट से टॉयलेट है तो वो टॉयलेट को जो है हम ट्रीट कर सकते हैं इजीली नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि अगर साउथ वेस्ट में सोना भी शुरू कर दें आफ्टर ट्रीटिंग एवरी और उसके बाद वहाँ पे सोना भी शुरू कर दें तो आपस में देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ में जो पार्टनर्स हैं उनमें आपस में एक होता है ना कि बॉन्डिंग एक और एक फिर होता है कि इन डेप्थ बॉन्डिंग वो आनी शुरू हो जाती है सो so, एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डायरेक्शन हुई उसके अलावा आजकल डॉक्टर अंकित प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोगों की ना आपस में क्लैरिटी या फिर आपस में एक्सपेक्टेशंस ना सेट नहीं है वो क्लियर नहीं है कि भाई उनको पता ही नहीं कि उनको एक दूसरे से क्या चाहिए फॉर दैट मैटर उनको ये भी नहीं पता कि उनको खुद से क्या चाहिए या इस रिलेशनशिप से जनरली क्या एक्सपेक्टेशं है तो अगर किसी की एक्सपेक्टेशंस ही क्लियर है ही नहीं तो एक जोन होता है क्लैरिटी का जोन जिसे बोलते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट घर का ईशान ईशानकोर so सो घर में अगर ईशान कोण में आपके कूड़ा यू नो पड़ा हुआ है वो बहुत ही बुरी तरीके से क्लटर्ड है तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो ऐसे में आपको पहचानना है कि आपस में प्रेम प्यार नहीं है या फिर आपस में क्लैरिटी नहीं है कि हमें अपने पार्टनर से चाहिए क्या तो अगर क्लैरिटी नहीं है तो एक बार अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में देखें और इन लोगों को मैं ज़रूर बताती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को डी तो करें ही करें साथ साथ थोड़ा सा अगर हो सके तो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के थोड़ा सा यू you नो know, आपस में कॉन्वर्सेशन करें और एकांत एक में बैठ करके मेडिटेशन करें क्योंकि ना मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हम रिलेशनशिप के देखते हैं तो वो हम जितने वास्तु से होंगे आप उसको सॉल्व करेंगे आप जितनी न्यूमरोलॉजी से होंगे उतनी सॉल्व करेंगे पर जो यहाँ पे होती है राइट right? जो इंटरनली प्रॉब्लम्स होती हैं ना नॉर्थ ईस्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जोन जहाँ पे आप बैठ करके केवल दस मिनट अपने साथ स्पेंड करें आई एम नॉट आस्किंग एनीबडी टू मेडिटेट और यू नो ध्यान करें नहीं जस्ट स्पेंड दीज टेन मिनट्स विद योर इन द डी नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर हाउस दिस विल हेल्प यू सेल्फ रिस्पेक्ट यू नो सेल्फ इंटरनलाइज़ आपको करेगा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे कि भाई आप कौन हो आप चाहते क्या हो जब आपका माइंड क्लियर होगा ना तो आपके रिलेशनशिप में भी वो क्लैरिटी जो है वो एब्सोल्युटली मैटर uh, करेगी और वो आपस में जो है बॉन्ड भी बढ़ाएगी एंड देन यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ साउथ वेस्ट कि आपस में एक दूसरे के साथ इन डेप्थ बॉन्ड जो है आप बढ़ा सके तो ये ये दो जोन्स बैलेंस कर लो कि आपस में प्रेम प्यार भी है और क्लैरिटी है राइट right? और प्रॉपर बाउंड्रीज आपस में बनी हुई हैं सो so, I think any relationship can do wonderfully well provided they want to work on it. So, कोई रेमेडी देना चाहोगे साउथ वेस्ट के लिए या नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई ऐसी रिलेशनशिप हाँ, अच्छे हाँ, होंगे is, is हाँ, yes. हाँ. हाँ. तो उसके अराउंड येलो कलर की चार इंची की पट्टी चारों तरफ जो टॉयलेट okay. है उसकी तरफ लगाएं फिर जो है वहां पे सिंपल येलो कलर के बल्ब होते हैं वो वहां पर लगा सकते हैं देन दे शुड स्टार्ट डेफिनेटली स्लीपिंग इन द साउथ वेस्ट ऑफ देयर हाउस और अगर वजह से नहीं सो सकते तो हस्बैंड वाइफ अपनी पिक्चर पिक्चर जो है कोई हैप्पी गोल्डन कलर की फ्रेम में अगर में अगर साउथ वेस्ट लगाते हैं तो उनको बड़े बेनिफिट होते हैं Amazing, so हैं हैं अमेजिंग फोटो फोटो लगा लगा सकते, सकते। लगा सकते हैं। yes, कलर का बल्ब लगा सकते पे तो बल्ब येलो तो कलर के ब्लाइंड से कवर कर दें वो भी कई बार बहुत परेशान करते हैं तो ऐसा करने से आपस में एक एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना डॉक्टर बत्रा सो अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो साथ में रहना चाहेंगे नहीं तो आर ईटिंग इच अदर अ लाइफ तो वो रहने की इच्छा चालू हो जाएगी और रही क्लैरिटी की बात सो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वहाँ पे सिंपल एक वाइट कलर का ओम सिम्बल लगाएँ ओम सिंबल ओम के सिंबल से और नॉर्थ ईस्ट के जो रूलिंग प्लानट हैं वो जुपिटर हैं राइट तो मैं नहीं कहती वहाँ पे आप मंदिर में पूजा कीजिए या ज़्यादा बट अगर आप केवल एक ओम सिंबल भी लगाते हैं और वहाँ पे केवल दस मिनट आप स्पेंड करते हैं प्रोवाइडेड कि वो क्लटर फ्री भी है साफ सुथरा है और वहाँ पे आप जो भी है थोड़ी बहुत जैसे जोधबत्ती इंसान जगाता है उसको साफ़ सुथरा रखता है तो ओम का सिंबल केवल जगाने से उनको बहुत बेनिफिट मिलेंगे Amazing. Yeah. Amazing. एंड uh, कितने दिन में रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम डेज़ so, है, है, so, अच्छा, अभी तक हम पैसों की बात कर चुके हैं जिसमें हमने चार यूज केस की बात करी फिर हमने रिलेशनशिप की बात करी सब so, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक बहुत, बहुत अमेजिंग चीज़ के बारे में अगर चालीस साल के पार का बंदा हो गया है तो उसको घर के बाहर अगर उसके मर्सिडीज कार नहीं खड़ी तो चल जाएगा लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए राइट right? सो so, एक ऐसा फैक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडर है बट जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे एक बार शो से पहले भी हमने डिस्कशन किया कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं कौन सी डायरेक्शन वो कर सकते हैं एंड uh, कितने uh, और क्या बड़े पे भी हेल्थ का, ये काम करेगी तो थोड़ा सा uh, मैं बहुत ही एक्चुअली थैंकफुल आपने ये टॉपिक छेड़ा नहीं तो यूजअली लोग जैसे ही वास्तु आते हैं तो लोग पैसे की बात ज्यादा करते हैं हाँ। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो धन है वो आपका मनी वाला धन नहीं है वो आपकी हेल्थ है हमारे जैसे बड़े पूर्वज कहते हैं कि सबसे बड़ा धन निरोगी का राइट right. तो अगर आपकी हेल्थ ही आपका सपोर्ट नहीं कर रही चाहे वो मेंटल हेल्थ है चाहे वो फिजिकल हेल्थ है तो आप उस वेल्थ का क्या करोगे उस मनी को कहाँ करोगे दैट विल ओनली गो इन इन्वेस्टिंग इनटू योर हेल्थ राइट तो वो इच्छा आपकी है कि पहले हेल्थ को ग्रो कर लो मनी तो ग्रो आप कर ही लोगे अगर हेल्थ ग्रो कर ली है और यू you नो know, आपकी जो माइंड सेट है वो बिल्कुल क्लियर है और सीधा है वेल्थ आप ग्रो कर लोगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ की वास्तु में आप हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हो बहुत से जोन्स हैं बट आई वुड लाइक टू पिन पॉइंट सम वेरी पेक्यूलर जोन्स लेट्स से कोई क्लाइंट कह रहा है कि आपके घर में यू you नो know, बार बार उनको हेल्थ रिलेटेड इशूज़ आ ही रहे हैं कभी सर्दी खांसी जुकाम और यू you नो know, बार बार बीमार पड़ रहे हैं एक ही व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ रहा है नहीं तो लोग कह रहे हैं कि इनके घरियों घर से दवाइयाँ एग्जिट मारती नहीं है एक बीमार फिर ये ठीक हुआ फिर दूसरा फिर तीसरा तो एक नॉर्थ ईस्ट ऐसी दिशा है और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऐसी दिशा है ये दो जोन्स जो हैं धनवंतरी जो हेल्थ के भी यू नो भगवान जी हैं उनका भी स्थान है तो इन स्थान को अगर हम क्लियर रखें इसमें वास्तु दोष ना रखें जैसे कि किसी प्रकार का टॉयलेट होना या सेप्टिक टैंक होना अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे और लगातार आएंगे ऐसे लोग क्या कंप्लेन करेंगे कि हम तो इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स के पास चले गए पर हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे हमें दवाई नहीं लग रही तो अगर दवाई नहीं लग रही विच मीन्स ये दो जोन्स ख़राब है इन दो जोन्स को एकदम क्लियर करके और इन दो जोन्स में अपने दवाई का डब्बा आपने वाइट कलर के बॉक्स में इन दो जोन्स में या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं ये जोन हुआ कोण और उत्तर दिशा के बीच वाला जोन नॉर्थ North और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जोन हुआ तो यहाँ पे एक सफ़ेद रंग का अपना दवाइयों का बॉक्स रखने से भी आपकी हीलिंग जो है वो बेटर हो जाती है ऐसे लोग कंप्लेन करना बंद कर देते हैं लोगों को दवाइयों के इलाज लगने शुरू हो जाते हैं ऑफकोर्स हैव टू विजिट टू द डॉक्टर वास्तु विल प्ले इट्स रोल डॉक्टर विल प्ले हिज रोल सो दिस वे यू कैन यू नो फासन अप द प्रोसेस ऑफ हीलिंग कई बार होता है कि लोगों के घरों में इस घर में आए और उसके छः महीने साल बाद उनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गए जैसे रोमोटाइड आर्थराइटस हो गया कैंसर जैसी परेशानियाँ हो गई यू नो पैरालिसिस हो गया तो ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियों के लिए घर का नॉर्थ ईस्ट जो है वो ज़िम्मेदार है सो तो घर के नॉर्थ ईस्ट में लेट्स से कि बहुत सारे कई लोग कीलों के ऊपर यू you नो know, चीज़ें लगा देते हैं तो वो भी वर्जित है नॉर्थ ईस्ट में किचन भी जो है वो भी वर्जित है ये चीज़ें आना अलाउड नहीं है ये चीज़ें सीधा आपको माइंड पे जो है इफ़ेक्ट डालेगी आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगी और जिस व्यक्ति का माइंड ही वर्क नहीं करेगा तो उसकी हेल्थ ओवरऑल जो है वो काफ़ी ख़राब होगी उसके बिजनेस भी ओवरऑल काफ़ी ख़राब होंगे आगे चल के साथ साथ एक और मैं आजकल देख रही हूँ कि यंग एज में हार्ट रिलेटेड इशूज़ आ जाना सो so जब भी साउथ वेस्ट में इशूज़ आ जाते हैं तो यंग एज में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लेट्स देर आर एंट्रेंसेज इन द साउथ वेस्ट लेट्स ए देर आर यू नो किचन इन द साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में ही काफ़ी भारी भरकम आपने वाटर टैंक लगा दी है जम यूजली यू नो आर्किटेक्ट्स एंड एवरीबडी दिस से कि साउथ वेस्ट तो सबसे हाई लोडिंग और सबसे ऊँचा इलाका है तो वहाँ पर लोग जो हैं ओवर हेड वाटर टैंक लगाएँ बट वहाँ पर ओवर हेड वाटर टैंक लगाने से हार्ट पे भी काफ़ी प्रेशर आता है राइट right? तो वो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हार्ट रिलेटेड अगर किसी को डिसऑर्डर्स आ रहे हैं यंग एज में तो उस व्यक्ति को अपने घर का साउथ वेस्ट जो है वो चेक करना चाहिए उसमें दोष जैसे कि टॉयलेट्स हैं और किचन्स बहुत कॉमनली मैं देखती हूँ और यहाँ तक कि ओवरहेड वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक अंडरग्राउंड वाटर टैंक वो समय से आने पहले वाले जो हार्ट अटैक्स हैं या हार्ट रिलेटेड इशूज़ हैं वो उसकी वजह से आ सकते हैं

बाहर आउट ऑफ इंडिया जो है भेजना है पढ़ाई करने के लिए अच्छा। तो एक दिशा है नॉर्थ वेस्ट उस अच्छा। दिशा का काम यह है कि वो दिशा ना आपके पैर टिकने नहीं देती अच्छा। तो अगर किसी का इंटेंशन है कि पैर नहीं टिकाने और बाहर जाना है हाँ। राइट तो ऐसे बच्चों को मैंने नॉर्थ वेस्ट के भर-भर के जो है बेडरूम्स दिए और इनको जो स्टडी टेबल दिए वो उनको मैंने वेस्ट की स्टडी टेबल दिए कि पढ़ाई जो है उनकी यू नो अब जाना क्यों है पढ़ाई के लिए बाहर जाना है तो एक तो हमने इनको नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम जरूर दिए हैं ताकि बाहर जाने का इंटेंशन बन जाए और वो बच्चा इस घर में टिकी ना पाए तो अगर बच्चे को बाहर भेजना है टिकाना नहीं है उसको सुला दो नॉर्थ वेस्ट में नंबर वन नंबर टू इंटेंशन क्या है कि पढ़ाई के लिए बाहर जाए कल को करियर रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे बच्चे को अगर हम वेस्ट में जो है स्टडी टेबल दे दें या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट भी एक जगह होती है वहां पर अगर हम स्टडी टेबल दे दें तो ये 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 व्यक्ति जो है, ये बच्चा जो है, है, बच्चा करियर पढ़ाई करेगा और उससे रिलेटेड बाहर चला जाएगा, जाएगा आउट <laughs> 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 uh, बहुत सारे में ना लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बच्चों की शादी नहीं हो रही hmm. तो इस लड़की को भी घर से बाहर भेजो इसकी शादी कराओ hmm. या फिर लड़के की भी शादी नहीं हो रही तो कुछ शादी भी करा सकते हैं कुछ है ऐसा हमारे हाँ, पास शादी भी करा सकते हैं ठीक है <laughs> <laughs> पहले तो तुमने अगर चूज कर लिया लेट्स से कि पेरेंट्स ने और लड़की हाँ. ने भी चूज कर लिया कि भाई ये वाला मेरे वाला फिक्स्ड है अब मुझे करनी है शादी बट फॉर एनी रीजन यू नो आजकल बच्चे बड़े फिकल माइंडेड होते हैं हाँ. तो अगर वो नहीं कर रहे हैं बट वैसे फिक्स हो चुका है कि हाँ ये मेरे वाला ये मेरे वाली है तो इस लड़की को लड़की को आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल हु हैज डिसाइडेड कि उसको किससे शादी करनी है ऐसी लड़की को आप सुना दे अगर नॉर्थ वेस्ट में तो इनकी शादी फटाफट से हो जाती है एक दूसरा केस आया कि जहां पे लड़की ने डिसाइड नहीं किया अब वो शादी के लायक हुई है और अभी उसने डिसाइड नहीं किया है तो ऐसी लड़की ईस्ट में सोए या साउथ ईस्ट में सोए तो इसको बड़े बेनिफिट मिलते हैं तो डिफरेंस दोनों को समझना है कि अगर डिसाइड कर लिया तो नॉर्थ वेस्ट डिसाइड नहीं किया एंड शी इज इन द प्रोसेस कि लड़का लड़की यू नो देख रही है और वो भी इस प्रोसेस में है तो ये साउथ ईस्ट में सो सकती है ईस्ट में सो सकती है साउथ ईस्ट या ईस्ट में सोने वाली जो लड़की है ऐसी जो लड़की है उसको अपनी बिरादरी से अपनी सोसाइटी से रिश्ते आना और दूसरा अपने हिसाब से अपने गुण के हिसाब से अपने क्वालिटीज के हिसाब से रिश्ते आना और उसको एक खुद का फेमिनिन वाला जो साइड होता है ना कि हाँ हा, अब मैं शादी के लिए प्रिपेयर्ड हूँ उस यू you नो know, जो एक अग्नि होती है जिसके अराउंड चक्कर काटे जाते हैं उस शादी के लिए अब मैं प्रिपेयर हूँ उस कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर हूँ तो उसके लिए साउथ ईस्ट में सोए या ईस्ट में सोए बहुत ही अमेजिंग है लाइक यू ट कि लड़कों के लिए क्या करें ना लड़कों के ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता <laughs> लड़कों के लिए वो कहां पे सोए लड़के जो है वो साउथ ईस्ट में अगर सोते हैं तो ऐसे में वो कन्या को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी साउथ ईस्ट वीनस का जोन है वीनस तुम्हारी पत्नी का जोन है तो धर्म पत्नी फटाफट से तुम्हारी लाइफ में आए उस लिए तुम जाकर के वीनस वाले जोन में विच इज द साउथ ईस्ट जोन घर में अगर सोना स्टार्ट कर दो अपना बेड हेड टूवर्ड साउथ या ईस्ट की तरफ रख करके और वहां पर आपने क्या करना है वहां पर सोना तो है ही है साथ साथ अपनी जो भी जिस तरह की आप यू नो करना चाह रहे हो आपके जीवन में हो तो अपने बेड साइड की टेबल पर भी वो लिस्ट लगा दें एक वो विश लिस्ट लगाए और घर के वेस्ट में भी वो विश लिस्ट डाल दें कि आपकी जो डिजायर्ड वाइफ है तो येलो कलर के पेपर पे रेड कलर के पेन से वो विश लिस्ट लिखे और उसको वेस्ट में लगाए और एक विश लिस्ट अपने साइड विच इज द साउथ ईस्ट ऑफ द हाउस पे लगाए

माँ बाप के पास तो बहुत पैसा है बच्चे माँ बाप ने मेहनत भी बहुत करी है बच्चे के पास वही नहीं है फायर ही नहीं है कि पेट में आग ही नहीं है कि सक्सेसफुल हो इस करके अनएम्प्लॉयड भी है तो कैसे इसकी फायर जगाई जाए कैसे हम अपने यंगस्टर्स की फायर जगाएं ताकि हमारा देश क्रांति घटित एंड हम आगे बढ़े कैसे फायर फायर जनरेट कर कर सकते आपने वर्ड यूज तो अगर okay. किसी को अपनी लाइफ में फायर लेकर के आनी है हाँ. तो एक तो अपने घर की फायर जोन्स को बैलेंस करना है तो घर का साउथ ईस्ट घर हाँ. का साउथ इसे बैलेंस करें यानी कि फायर के जोन में फायर वाली एक्टिविटीज करें फॉर एग्जाम्पल आप यज्ञ वाले सीन्स होते हैं फायर फ्लेमी रिलेटेड पेंटिंग होती है या फिर अगर किचन वहां पे है सो दैट इज वेरी वेरी गुड किसी भी प्रकार से अगर वाटर वाली चीज़ें हैं तो उनको जो है डेफिनेटली वहां से रिमूव करें ऐसे बच्चों को भी अगर हम फायर जोन्स में सुलाना शुरू कर देते हैं तो उनके इंटरनल वाली फायर जो है वो चालू हो जाती है दैट इज़ अनाथ थिंग इसके अलावा एक और दिशा है नॉर्थ की दिशा अब नॉर्थ की दिशा का सबको लगता है कि यहाँ से पैसे आएंगे एंड यू नो धन वर्षा होगी कुबेर जी का स्थान है नॉर्थ की दिशा का जो असली काम है जो वाकई में जैसे बोलते हैं ना असली काम है वो आपको माइंडसेट जो है वो धंधे वाला देती है वो आपको बिजनेस वाला माइंडसेट देती है या फिर यू you नो know, काम करने वाला माइंडसेट देती है सो so, घर में नॉर्थ में अपनी पिक्चर लगाने से भी ब्लैक या ब्लू कलर के फ्रेम में अपनी पिक्चर लगाएं और उसके ऊपर एक वाइट स्पॉटलाइट डाल दे तो ऐसा बच्चा वो आउट ऑफ जॉब नहीं बैठ पाता एक उसकी फायर बैलेंस कर दो एक उसको ऐसे जॉब यू नो ऐसे जगह पे उसका जो है एक्टिवेट कर दो उसका नॉर्थ एक्टिवेट कर दो उसकी पिक्चर लगा के केवल और साथ में एक वाइट कलर की स्पॉटलाइट लगा के तो ये व्यक्ति जो है ये काम के बिना बैठ ही नहीं पाएगा तो फायर लगानी है तो ये दो के ऊपर काम कर लो बच्चों में फायर लग जाएगी पॉजिटिव वाली और ये बच्चे बैठ ही नहीं पाएंगे काम के बिना चलो अमेजिंग अमेजिंग बच्चों को फायर लगेगी तो हमारा इंडिया वैसे ही बढ़ेगा सो so बहुत अच्छा एंड आज अमावस भी है जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं सेकेंड अक्टूबर को सर पित्र अमावस सो पितृदोष

जो रिप्रेजेंट करता है जो पितरों का स्थान है ऑल्सो डॉक्टर अंकित हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जिस व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद नहीं है उस व्यक्ति को गुरु भी आशीर्वाद नहीं दे सकता उस व्यक्ति का भगवान भी आशीर्वाद उसको नहीं दे सकता जिसके पितरों ने ही उसका साथ नहीं दिया हुआ है विच मीन्स आप जितने भी मेहनत कर लो जितने भी पाठ पूजा कर लो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे अगर आपके पितरों का जो है आशीर्वाद आपके सर पर नहीं है तो सबसे पहले चीज लोगों को माननी ही पड़ेगी कि पितृदोष जो है वो एग्जिस्ट करता है नहीं तो कुछ कुछ सिम्टम्स बता रही हो वो लोग मैच कर सकते हैं सिम्टम नंबर वन आप मेहनत कर रहे हो लगातार आपने एक शोरूम खोला दूसरा शोरूम खोला तीसरा शोरूम खोला तीनों के तीनों ठप पड़ते जा रहे हैं पैसे लेकर के भरते जा रहे हो लेकिन आप बार बार यू नो कर्जों में लोन्स में डेप्थ में डूबते ही जा रहे हो तो ये हुआ आपका पैसों से रिलेटेड क्या आप समझ सकते हो कि पितृदोष है नंबर वन नंबर टू शादी रिलेटेड इश्यूज शादी में बहुत ज्यादा डिलेज होना शादी खराब हो जाना शादी हो गई लेकिन उसमें आगे बेबीज का खराब हो जाना सो वो हुआ आपका इशू नंबर टू फिर आपके हेल्थ के मेजर मेजर छोटे मोटे कंसर्न्स नहीं मेजर मेजर कंसर्न्स लगे ही रहते हैं कई लोग बोलते हैं ना कि जनरेशनली अरे इनके फादर को भी जो था इस उम्र में कैंसर हुआ था इनको भी इस उम्र में कैंसर हुआ है या फिर यू नो एट सर्टेन एज मेल की मेंबर की डेथ हो जाती है यू नो फिफ्टी फाइव हुए उसकी डेथ फिर इसकी डेथ फिर इसकी डेथ हमारे तो यू you नो know, जनरेशनली ही ऐसे चलता है दिस जनरेशनल कर्जेस ऑल्सो अकाउंट टू पितृदोष तो अगर इनमें से किसी भी प्रकार की जो चीज हो रही है विच मीन्स आपके घर में पितृदोष है दीज आर सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा वास्तु में इनके घर के साउथ वेस्ट में आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे साउथ वेस्ट का कट हो जाना साउथ वेस्ट का सही से काम ना करना साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा क्लटर होना साउथ वेस्ट में बहुत ही ज्यादा सीलन आ जाना लोग कई बार होते हैं ना सीलन हटवा रहे हैं फिर सीलन आ गई सीलन हटवा रहे हैं फिर सीलन आ गई वॉटर करा रहे हैं फिर परेशानी फिर दीमक आ गए उथ वेस्ट में टॉयलेट्स होना सो विच मीन्स कि इनके घरों में पितृदोष जो है वो काफी ज्यादा जो है यू नो प्रेविलेंट है अब पतरी से उठा के देखो या घर के वास्तु से उठा करके कर देखो देखने को आपको एक ही चीजें मिलेंगी सो इन दोषों से जो है आपको ऑफ कोर्स यू नीड टू हायर अ प्रॉपर वास्तु एक्सपर्ट टू फिक्स प्रॉपर दोषा बट अगेन एक बहुत ही प्यारी रेमेडी है और अगर आ, कोई भी व्यक्ति स्टार्ट करना चाहता है तो अपने किसी भी अमावस्या को जैसे आज सर्वपित्री अमावस्या है तो आज का तो हम शूट कर रहे हैं तो इनको नेक्स्ट अमावस्या से वो स्टार्ट कर सकते हैं इन्होंने दीपक लेना है ठीक है एक दिया लेना है और उसमें दो जोत बत्ती रखनी है दो उसमें कॉटन की विक्स रखेंगे एक मातृपक्ष की तरफ एक पितृपक्ष की तरफ और ये आपने मॉर्निंग में घर में कहाँ जलानी है घर के वेस्ट जो, जो जोन है वेस्ट वाला जो कॉर्नर है वहाँ पर जलानी है या आपने पूजा पाठ के लिए नहीं या आपने पितरों को जो है अर्पण करनी है तो आपने वहां पे इंटेंट भी जो है आपका मैटर करता है तो आपने जो माफी मांगनी है और जो ब्लेसिंग सीख करनी है वो मातृपक्ष की तरफ और पितृपक्ष की तरफ तो दोनों की तरफ करनी है स्टार्ट कब करना है अमावस्या से और कब तक करेंगे अनटिल फोर्टी थ्री डेज कंटिन्यूसली यूल सी विद इन माइंड माई वर्ड्स विद इन ट्वेंटी वन डेज आउट ऑफ दीज फोर्टी थ्री डेज आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे कि लोग जो काम कर रहे हैं उनको रिजल्ट आ रहे हैं और इनको ना एक अजीब सा भारी पेन महसूस होता है जब किसी के यहाँ पे पित्त दोष होते हैं तो दे विल फील वेरी लाइट तो वहीं से उनको शुरू हो जाएगा कि अब हमारी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है इनके रस्ते खुलने जो है शुरू हो जाते हैं क्योंकि जितने भी पित्त दोष वाले लोग हैं वो बेचारे ना लाइफ आती है कटती है और खत्म हो जाती है सोल्यूशंस नहीं मिल पाते सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं मिल पाते या सही सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं मिल पाते या कर नहीं पाते तो इनके

So, क्या ब्लैक मैजिक को वास्तु से कुछ ट्रीट कर सकते हैं क्या आप मानते हैं कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता है या फिर बस ऐसी बना दिया गया बताएं प्लीज सी ब्लैक मैजिक आई हैव हैड अ चांस टू वर्क विद फ्यू साइकोलॉजिस्ट ठीक है फ्यू डॉक्टर्स ऑल्सो सो ब्लैक मैजिक उन वो लोग इनको बोलते हैं फॉरन एनर्जीज ना ब्लैक मैजिक है क्या ये वो आत्माएं हैं जो तृप्त नहीं हो पाई जो ना तो इस यू नो संसार की है ना ही कभी पर लोग सुधार पाई जो बीच में अटक गई तो वो वाली जो आत्माएं हैं उनको यूज़ करके जो है ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर भी किया जाता है ब्लैक मैजिक कहाँ पे हो सकता है जिन जिन व्यक्ति का अगेन कमिंग बैक टू साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट जो दिशा है वो राहु की दिशा है राहु का जो स्थान है अगर घर में खराब हो जाए तो ऐसे हाउसेज या ऐसे हाउसेज में रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने में तो अगर किसी के घर का वास्तु सही है वास्तु का आधार क्या है पंच तत्व है तो वह अपने में ही पंच महाभूतों का इतना स्ट्रांग यंत्र है एक वास्तु कंप्लाइंट हाउस कि उसको अटैक नहीं कर पाते ब्लैक एनर्जीज जैसी कोई भी चीज बट अगर घर का अर्थ एलिमेंट घर का साउथ वेस्ट जो है घर का जो जिसके रूलिंग प्लैनेट भी स्वयं राहु ही है अगर वो खराब हो जाए तो ऐसे में ऐसे घरों में ब्लैक मैजिक करना इजी हो जाता है सो ब्लैक मैजिक हो गया है साउथ वेस्ट ठीक करें यू विल फाइंड अंटिल सम पॉइंट ऑफ यू नो रिलैक्सेशन बट ब्लैक मैजिक वो ब्लैक मैजिक की विद्या से ही जो है कार्ट उसको मिलेगी अगर आ गया है तो बट अगर वास्तु एक्सपर्ट यू नो अगर वास्तु कंप्लाइंट हाउस ऑलरेडी है तो ऐसे हाउसेस को आप uh, बचा सकते हो कि ऐसे हाउसेस में ब्लैक मैजिक करना बहुत ही डिफिकल्ट है तो आपने किसी के घर में देखा ब्लैक मैजिक जहाँ आपको काम करने का मौका मिला हो मैंने देखा और ऑफकोर्स बिकॉज आई एम नॉट यू नो प्रो यू नो प्रो इन दिस मेरा जो काम है वो वास्तु का है मैं ब्लैक मैजिक जैसे जो तंत्र विद्याएं हैं मैं उसमें uh, परिपूर्ण नहीं हूँ तो यस yes, आई

मॉडर्न डे यू नो रियल इस्टेट कल्चर जो आजकल है हाई राइज बिल्डिंग्स का वहाँ पे हम टोटल वैदिक वास्तु नहीं कर सकते और टोटल डायरेक्शन में नहीं जा सकते सो so, जिस चीज़ से रिजल्ट आता है सो माई बिलीफ इज इन बेस्ट ऑफ बोथ दर्ल्ड सो लॉजिकल चल रहा है and बहुत हम amazing सीख रहे हैं एंड आई होप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है आप इतने प्यार से इतने अच्छे से बता रहे हो इतना एक्सपीरियंस है आपका तो वो एक ना बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आपसे करनी कि तोड़ फोड़ ये तोड़ दू वो तोड़ दू क्या क्या तोड़ दू? तो आपको लगता है बिना तोड़े फोड़े काम हो सकता है क्योंकि आप ही से मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से सुना है कि भाई ये वाला तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं चलेगा तो फिर क्या करूँ तोड़ू फोड़ू या रहने दू क्या करूँ देखो वास्तु बिना तोड़ हो सकता है बट दिस टर्म कंडीशन अप्लाई एक लौती टर्म और कंडीशन है वो है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट का सेप्टिक टैंक नॉर्थ ईस्ट की किचन इसको तोड़ दो नहीं तो इस घर को छोड़ दो अच्छा राइट सो एक हो गया वास्तु एक्सपर्ट में कुछ भी बोल दूँ अरे नहीं नहीं मेरे पास इलाज है दिस एंड दैट ये रेमेडी लगा लो वो लगा लो दैट इज वो नहीं है वो पॉसिबल ही नहीं है जिस तरह के वहाँ के जर्म्स पैदा होते हैं जिस तरह का वहाँ का फंगस पैदा होता है राइट वहाँ की क्लाइमेटरी कंडीशन ही ऐसी है कि वहाँ पर आप जो भी रेमेडी करोगे वो काम नहीं करेगी

राइट right? वो जल जाएगा वो हम ट्रीट कर देंगे अच्छे से चला लेंगे बिल्कुल बढ़िया चला लेंगे ठीक <laughs> है तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा एंड सो uh, so आप कह रहे हो कि सब चल जाएगा, तोड़ फोड़ के बिना काम कर सकते हैं बस नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें को, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं करना चाहिए और उसमें कोई रिजल्ट आप ले ही नहीं सकते अगर मैं बोल दू ना कि हाँ मैं एस्ट्रो वास्तु के थ्रू एस्ट्रोलॉजी के थ्रू और किसी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट के थ्रू रिजल्ट ले रही हूँ मैं आज तक डॉक्टर बत्रा आई हैव डिनाइड केसेस

आपने जैसे बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया है मॉल्स के लिए काम किया है यू आर डूइंग वेरी गुड सो इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर मान लो लैंड मैं चूज़ करता हूँ और वो लैंड अच्छी नहीं है तो फिर मैं बनाता रहूँ वास्तु फिर कैसे मतलब फिर वास्तु उसके इसमें काम करेगा या मुझे बहुत देखना पड़ेगा विजिलेंट होकर कि नहीं इसकी लैंड अच्छी होनी चाहिए सी लैंड एनर्जीज एज पर बिजनेस एज पर जाओ आप यू नो वहां पे क्या करना चाह रहे हो लैंड की एनर्जीज देखना बहुत जरूरी है तो अगर लैंड की एनर्जीज जो है आपके काम के साथ अलाइन्ड नहीं है तो आपने वास्तु तो सही कर लिया तो ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं आएगा रिजल्ट ऑफ कोर्स बहुत अच्छा आएगा बट एक होता है ना लैंड एनर्जीज अगर अमेजिंग है तो रॉकेट लगाने वाले जो काम होता है तो बहुत ही अमेजिंग वाला जो रिजल्ट है आपकी भाषा में बोला जाए तो वो तब आएगा जब आपने लैंड एनर्जीज का अच्छे से चयन किया हुआ है उसको बैलेंस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू आपका जो कार्य है तो यस लैंड एनर्जीज का अपने कार्य के हिसाब से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और कैसे पता चलती है लैंड अच्छी है कि नहीं कैसे ऐसे पता तो चल आई से तो नहीं पता चल सकता बिल्कुल पता चल सकती है ये तो आज है कि हमारे पास बहुत तरह के इक्विपमेंट्स हैं अगर हम बात करते हैं मय मतम शास्त्र की या बृहद संहिता की बात करते हैं विश्वकर्मा प्रकाश की बात करते हैं तो ये सभी जो यू नो शास्त्र हैं वो बताते हैं कि एक अच्छी लैंड की पहचान क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह के वहाँ पे जानवर घूम रहे हैं अगर वहाँ पे गाय यू नो गाय हैं छोटे छोटे पंछी आ रहे हैं सो इट्स अ गुड लैंड अच्छा। बट अगर वहाँ पे लेट से कोई लोमड़ी आ रही है ठीक है सीआर आ रहे हैं अगर इस तरह के जानवर हैं विच मीन्स कि वो जो लैंड है वो अच्छी नहीं है ये हुई एक बात दूसरी कई बार आप लैंड में देखते हो कि गेपिंग होल्स होते हैं चीटियों ने अपने घर बनाए होते हैं सो तो कि ये लैंड अंदर से खोखली होगी अच्छा चीटियां कैसे घर बनाती है वो होल्स बनाती है राइट तो अगर ऐसे गेपिंग होल्स हैं किसी भी लैंड में विच मीनस ये बता रही है कि लैंड जो है अच्छी क्वालिटी की नहीं है देन हम मिट्टी के जो अलग अलग टेस्ट हैं तो मिट्टी के भी अलग अलग तरह के से टेस्ट किए जाते हैं तो वाटर uh, टेस्ट uh, होते हैं सॉइल टेस्ट होते हैं तो उन टेस्ट के द्वारा भी आप पता कर सकते हैं कि ये लैंड अच्छी है या नहीं है तो ये सब आप करवाते हो जी हम बिल्कुल कराते हैं सभी शास्त्र भी बोलते हैं हम इजी वाले मेथड्स अपना लेते हैं बिकॉज लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि पंद्रह दिन हमें वो दे दे केवल लैंड टेस्ट करने के लिए सो येस हम ये सभी तरह के टेस्ट करते हैं वी आर डूइंग यू uh, नो you know, जो आपके अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं उसके जरिए भी हम टेस्ट करते हैं बट आई लाइक स्टेइंग वेरी रूटेड टू माय यू नो जो शास्त्र हैं तो उनके साथ रूटेड रहना पसंद करती हूँ तो येस uh, yes, हम जो अलग अलग इक्विपमेंट्स वाले हैं फॉर द क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन वी डू दैट बट फॉर आवर आई गो बैक टू टू द एंड फॉलो रूट्स हैज से टू अस बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैम एक बात बताओ कि कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर एंट्रेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सो so, जैसे जितने भी uh, हमारे घर हैं है ना हमारी सोसाइटीज हैं बेसिकली तो उन सोसाइटीज के अंदर एंट्रेंस जरूरी नहीं आपको आपके हिसाब से मिल पाए तो विल यू बी कॉम्प्रोमाइजिंग इन द एंट्रेंस या आपको लगता नहीं इस पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती की एंट्रेंस हाँ। पे मैं कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करती क्योंकि एंट्रेंस वो चीज है ना यहाँ पे मुझे कोई रेमेडी नहीं करनी एक मुझे अच्छी सी एंट्रेंस देनी है और मुझे पता है कि मेरा जो क्लाइंट है उसको जो कार्य है वो उसका बहुत अच्छा होगा हो ही होगा और वो उसको भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं सो एंट्रेंस इज वन थिंग आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ नॉर्थ ईस्ट इज़ वन थिंग आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज साउथ वेस्ट इज समथिंग आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज जैसे ही मेरे ये तीन चीज़ें टिकमार्क हो जाती हैं फॉर एनी न्यू प्रॉपर्टी फॉर माई क्लाइंट बाकी सारे चीज़ें आई नो देट एम वेरी वेल यू नो इक्विप टू हैंडल दिस बट एंट्रेंस पॉजिटिव लेना इज़ लाइक like, uh, एक

वो वैरी करता है तो कितना वैरी करता है एंड आपके क्या एक्सपीरियंस है बाहर के थोड़ा सा वो भी बताना किन किन कंट्रीज में आप काम कर चुके हो और आपके क्या एक्सपीरियंस है कैसे वो इंडिया से अलग है ठीक है सो आई वर्क इन इंडिया ऑफ कोर्स एंड आई वर्क इन यू एस आई वर्क इन कैनेडा ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर मलेशिया दुबई सो मैं इन सभी जगहों पे जो है काम कर चुकी हूँ सो so कहाँ पे जो है हमें कंट्री वाइज डिफरेंस आते हैं सो इट्स नॉट अबाउट द कंट्री बट कौन से हिमिसफेयर में है अर्थ so का जहां पर अभी इंडिया कहां है इंडिया इज द नर्दन हेमिसफेयर ऑफ अर्थ राइट तो यहां पर जो सन का पाथ है so वो determine करेगा कि आपके घर का वास्तु कैसे होगा और आपके घर का वास्तु पुरुष कैसा होगा सिमिलरली अंक जी अगर मैं चली जाती हूं लेट सेलिया तो ऑस्ट्रेलिया इज इन द सदर्न हेमिसफेयर ऑफ दिस प्लैनेट तो सदर्न तो करता है ईस्ट में और सेट करता है वेस्ट में बट सन जो है वो घूमता है नॉर्थ की तरफ और फिर सेट करता है वेस्ट की तरफ तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वहां का जो नॉर्थ ईस्ट है इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक यहाँ का जो साउथ ईस्ट है राइट right? वास्तु पुरुष का सर जो है यूजुअली नॉर्दन हेमिस्फेयर में होता है टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट बट सदर्न हेमिसफेयर में जाते ही वास्तु पुरुष का जो सर है राइट या जो उसकी डायरेक्शनल एनर्जीज है वो चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द सन पाथ तो वहाँ का साउथ ईस्ट बिहेव लाइक यहाँ का नॉर्थ ईस्ट दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द सन पाथ तो वहाँ के जो चेंज रूल्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं तो like, यहाँ तो uh, है, पे बिल्कुल ऑपोजिट तो जो उनका आपने वास्तु बनाया पूरा करा तो वो आपके चेंज रूल के हिसाब से जी लॉजिक वही है लेकिन अगर सन चेंज हो गया है तो उसके हिसाब से हमारे रूल्स तो so, हम लोग लिंक दे देंगे possible, आप बुक कर सकते हो जितने हमारे फॉरेन यूजर्स हैं एंड दिव्या मैम एक बात और बताओ कि सोना किस डायरेक्शन में सोना है फिर भी ये ज्ञान अब धीरे धीरे लोगों को आ गया है बट किस साइड हेड होना चाहिए कैसे नींद अच्छी आए और सुबह उठ के लोग फील ही नहीं कर रहे हैं। पूरी सो बट चैन, नहीं आया। तो ये चैन, कैसे आएगा इनको? चैन वाली जो डायरेक्शन है ना डीप और मा, काम माइंड वाली जो डायरेक्शन है वो घर के साउथ की तरफ जो है आपने सर रख करके सोना है अब साउथ की तरफ एक डेटी बैठे हैं यम यम, यम यानी कि यमराज राइट वो क्या देते हैं मृत्यु तो खैर नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं दैट्स इज वन ऑफ द जॉब बट साउथ की तरफ सर रखने से मृत्यु तुल्य निद्रा आती है ये हमारा शास्त्र कहता है तो अगर किसी को निद्रा रिलेटेड इश्यूज हैं जिस भी वो जोन में सो रहे हैं एंड आई होप अच्छे जोन में सो रहे हैं लेकिन अपना बेड हेड जो है वो साउथ की तरफ रख करके सोएं तो जैसे आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल तरोताज़ा वो नेक्स्ट डे उठेंगे और बिल्कुल काम माइंड और काम बॉडी के साथ ये लोग उठेंगे साउथ के अलावा जैसे बच्चे हैं बच्चों की लाइफ बहुत फास्ट होती है जैसे आप लोग हम लोग हैं तो हम यू नो दो अक्टूबर को भी हम जो है काम कर रहे हैं तो हम लोगों की बहुत फास्ट लाइफ होते हुए आ, हम लोग अपना सर ईस्ट की तरफ भी रख सकते हैं वेस्ट की तरफ भी सर रखना ओके है कहाँ पे एब्सोल्युटली मना है दैट इज़ द नॉर्थ नॉर्थ की तरफ सर रखने से धीरे धीरे आपकी नींदें भी उड़ सकती हैं आपको बीपी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं हेड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं और इसका कोई इलाज भी नहीं है और ये ऐसे नहीं पता चलेगा कि अभी दो चार दिन में असर आना शुरू हो गया इट इट विल टेक फ्यू एंड एंड बिफोर यू नो इट्स ये इतना बड़ा इशू है हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन अब सेपरेटली कर रहा हूँ इशू कैंसर जो कि फैल रहा है आग की तरह जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही कंसर्न है हम लोगों के लिए तो आपको लगता है कि ये वास्तु से कुछ इसका इम्पैक्ट है या बहुत सारे केसेस इसमें आपने देखे होंगे एंड अगर हो जाता है मान लो किसी को परमात्मा ना करे कट 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 लेकिन मान लो अगर हो जाता है तो क्या उस केस के अंदर रिवर्स हो सकता है या बेटर हो सकता है प्लीज बताएं सी वास्तु के जरिए <laughs> अगर मैं इसमें एक्चुअली सत्रह अठारह साल की हम बात करते हैं अगर आपने सत्रह अठारह साल का ट्रेंड देखा है तो इंडिया में पिछले सत्रह अठारह साल में हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आया है राइट हम बोलते हैं ना कि वास्तु में दोष जो है कौन सा दोष कैंसर देता है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट का सेप्टिक टैंक ये सारी चीज़ें कैंसर दे रही है बट आना कहाँ से शुरू हुआ हाई राइज बिल्डिंग बननी शुरू हुई एक ही फ्लोर के ऊपर कितने कितने अपार्टमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ यू हैविंग एन अपार्टमेंट विद नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट इज़ वेरी वेरी हाई दिस इज ऑल थैंक्स टू हाई राइज कंसेप्ट जस्ट इज दैट इज कमिंग टू इंडिया इन द लास्ट सेवनटीन एटीन ईयर्स दैट्स नंबर वन नंबर टू इज़ इन द लास्ट सेवनटीन एटीन ईयर्स हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी जब से वो वो आया है तब से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही पुअर हुआ है तो जैसे यू नो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड इतनी ख़राब क्रिएट होगी तो ऐसे ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स या फिर ब्रेन में इफ़ेक्ट आना या फिर कैंसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो आपके सीधे सीधे यू नो डी एन ए को ही जो है वो ऑल्टर कर रहे हैं तो ये सत्रह अठारह सालों में बिकॉज ये टेलीकॉम इंडस्ट्री ये पावर यू you नो know, वो जो सर पर लगाते हैं टावर्स जो अपने लोग पैसे इनफैक्ट मिलते थे लोगों को ये सब लगाने के लिए पैसे, हाँ। पैसे मिलते थे पैसे मिलते थे काफ़ी मोटे पैसे मिलते थे मंथली वाइज तो उस समय से ये कैंसर का जो चलन इंडिया में हुआ है बिकॉज ऑफ द हाई राइज कॉन्सेप्ट एंड बिकॉज ऑफ द मोबाइल टावर्स ये बहुत ज़्यादा हुआ है सी नाउ दिस इज समथिंग यू के नॉट रिवर्स इट पर क्या इसका इलाज बेहतर हो सकता है तो पहले आपको अपने जो दोष है वो ट्रीट करने होंगे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक है तो उसको रिमूव करना होगा घर के आसपास या घर के ऊपर अगर मोबाइल टावर है तो या तो उसको रिमूव करें नहीं तो उसको रिमूव करना काफ़ी लंबा प्रोसीजर है तो या तो आप अपना घर चेंज करें तो ऐसे में क्या होगा एक तो फिर बैलेंस नॉर्थ ईस्ट होगा तो हीलिंग आपको जल्दी मिलनी शुरू होगी आपका इलाज जल्दी जो है वो शुरू होगा और जो वो एक डिफेक्ट क्रिएट हो रहा था ना मे बी बिकॉज ऑफ द टॉयलेट सेप्टिक टैंक और द मोबाइल टावर वो डिफेक्ट आपका रुक गया तो वहां से आपकी हीलिंग जो है जल्दी शुरू होगी बट इनको रिवर्स करना मैं उसके चैलेंजेस तो मैं उसका कोई भी चैलेंज नहीं दूंगी कि आप रिवर्स कर सकते हो बट आप बेटर कर सकते हैं सो so, इसलिए आपने बोला टॉयलेट तो बिल्कुल है। है, okay, अच्छा। uh, की बात करें uh, किसी शॉप की बात करें और आप अंदर जाते हो और आप देखते हो अरे शॉप चली नहीं रही तो क्या आप ऐ, कैसी शॉप तो, तो कुछ हद तक चली जाएगी ठीक है सबसे पहले इस व्यक्ति की एंट्रेंस अगर मैं बढ़िया दे दूं तो उसकी शॉप चली जाएगी नंबर टू इस व्यक्ति के जो यू you नो know, जो शॉप के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अगर जैसे मैं नॉर्थ वेस्ट दिशा में नॉर्थ में नॉर्थ नॉर्थ ऑफ वेस्ट में इन जगहों पर रख दूं तो मुझे पता है कि इसका माल बिकना शुरू हो ही जाएगा और तीसरी चीज इसका गला यानी कि उसका जो कैश लॉकर होता है तो उसको अगर मैं सही स्थान पे रख दूँ जैसे मैं साउथ ईस्ट में रख दूँ नॉर्थ में रख दूँ या फिर यू नो साउथ वेस्ट में रख दूँ वेस्ट में रख दूँ तो मुझे पता है कि अगर ये तीन चीज़ें मैंने कर दी तो हंड्रेड परसेंट ये शोरूम या ये जो यू you नो know, जो भी दुकान है चल ही जाएगी अमेजिंग अमेजिंग सो अब मैं बुलाना चाहूँगा प्रिया बत्रा जी को हमारी को फाउंडर है माई वाइफ एंड को फाउंडर ऑफ बत्रा न्यूमरोलॉजी वास्टली टैलेंटेड एंड हैंडल्स एवरीथिंग इन बत्रा न्यूमरोलॉजी एंड सो आई वुड लाइक टू कॉल हर ऑन द शो ताकि वो भी पूछ पाए दिव्या मैम से क्वेश्चन नमस्ते दिव्या जी कैसे हैं आप बहुत ही अच्छे नमस्ते जी थैंक यू ओके सो okay, so, uh, आजकल हमने देखा है कि कंसीवल इश्यूज बहुत हो रहे हैं मतलब बच्चा कंसीव हो जाता है बट होल्ड नहीं हो पा रहा जगह जगह आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं फीमेल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं उसकी वजह से कंसीवल नहीं हो रहा है तो वास्तु में उसके लिए कुछ है हमारे पास जो हम फॉलो कर सकते हैं जी आपने अलग अलग चीज़ें बोली तो मैं अलग अलग चीज़ों में आपको यू नो काउंटर्स अलग अलग uh, जो है आई टॉक अबाउट अलग अलग, अलग ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल इफ द यू नो द लेडी ऑफ़ द हाउस इज से कि उसको कंसीव ही नहीं हो पा रहा यू you नो know, कि वो बच्चा कंसीव ही नहीं हो रहा फगेट कि वो होल्ड नहीं हो रहा या वोट एवर उसको कंसीव नहीं हो रहा या फिर उसको फाइब्रॉइड्स पी सी ओ एस पी सी ओ डी यू टी आई इस तरह के कुछ इशूज़ है कि कंसीव हो ही नहीं पा रहा सो so, इस व्यक्ति के घर में अगर हम साउथ ईस्ट को देखेंगे सो साउथ ईस्ट इज द जोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसीविंग द बेबी तो okay. साउथ ईस्ट में ग्रे कलर ब्लैक कलर ब्लू कलर और वाटर रिलेटेड इश्यूज यू नो वाटर रिलेटेड बॉडीज आ जाना तो ये क्या करेगा ये घर की महिला को कंसीव नहीं करने देगा उसको इश्यूज कैसे आएंगे फाइब्रॉइड्स पी जैसे हमने बात किया लेट्स से कि जो लड़की है जो बहू है वो कह रही है कि वो कंसीव तो कर रही है बट वो बच्चा ठहर नहीं रहा यू you नो know, बार बार किसी भी वजह से उनका मिसकैरेज हो रहा है या फिर जो बेबी है उसको अबॉट करना पड़ रहा है हेल्थ कंसर्नस की वजह से या फिर स्टिल बॉर्न जैसे बेबी पैदा होता है या प्री मच्योर होता है तो घर के साउथ वेस्ट जो किसी भी चीज़ को स्टेबल करने का जोन है उसको होल्ड करने का जोन है तो साउथ वेस्ट अगर खराब होगा तो जो महिला है वो कंप्लेन करेगी कि बेबी ठहर नहीं पा रहा जल्दी जल्दी मिसकैरेज हो जाता है अगली चीज़ आती है कि एक दिशा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट तो वो जोन है विसर्जन का जोन है तो अगर एक प्रेग्नेंट महिला उसको लग रहा है वो सो रही है साउथ वेस्ट में परंतु अगर वो सो रही है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जो कि दिशा है साउथ South और साउथ वेस्ट की बीच की अब क्योंकि ये साढ़े बाईस डिग्री का जोन है तो पता नहीं लगता नॉर्मल लोगों को राइट right. तो इसीलिए इट इज बेटर दैट यू कंसल्ट अ वास्तु एक्सपर्ट वेन यू नो योर प्लानिंग तुम्हें वेन यू प्लानिंग टू गेट प्रेगनेंट तो अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में विसर्जन के जोन में सोना शुरू हो जाएगी तो बेबी का क्या होगा बेबी का विसर्जन okay. होगा सो अनदर रीजन एंड थर्ड रीजन क्यों आप वास्तु के थ्रू नो you know, कैसे रिजल्ट्स ले सकते हो फोर्थ रीजन इज योर सेंटर ऑफ द हाउस ब्रह्मस्थान और उसमें एक जगह है ब्रह्म बिंदु विच इज देंट्रॉय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सो so, जैसे आपकी नेवल है hmm. तो अगर नेवल ही खराब है एबडोमिन ही खराब है तो उस व्यक्ति को भी कन्सीव करने में इश्यूज़ आएंगे या फिर उसको यू you नो know, आगे प्रोसीड करने में कन्सीव तो वो कर लेंगे कहीं ना कहीं बट आगे प्रोसीड करने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बड प्रेगनेंसी हो सकती है इसके अलावा और लास्ट एक डेटी है एक देवता है प्रजन्य सो so, जो प्रजन्य का काम है वो है ऐसे यू नो कपल को ब्लेस करना विद किड्स तो अगर प्रजन्य वाली जो फील्ड है जो प्रजन्य की एनर्जी uh, फील्ड है ये नॉर्थ ईस्ट में होती है तो okay. अगर ये एनर्जी फील्ड ही खराब हो जाए तो ऐसे घरों में भी आपको कंसेप्शन रिलेटेड इशूज देखने को मिल सकते हैं ओके okay. सो so आपने सारी फायर जोन की बात करी सेंटर की बात करी और कोर्स नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत हुँ. ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हर जगह पे अगर डिसबैलेंस होगा तो उसमें इश्यूज होंगे करेक्ट राइट ओके सो अब हम बात करते हैं बच्चे आ, मतलब कंसीवल हो गया बच्चे हो गए बट आजकल के बच्चे आप आपने देखे होंगे कि उनको मोबाइल एडिक्शन बहुत हो गया हुँ. है सुनते ही नहीं हैं इतने एडमेंट हो गए हैं बात ही नहीं सुनते मतलब लड़ाई करेंगे एग्रेसिव होंगे मतलब इट्स इट्स लाइक हमें बच्चे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है तो उसके लिए भी वास्तु में कुछ टिप्स हैं यस yes, इसके लिए पहले तो बच्चे कहाँ सो रहे हैं और उसके बाद पेरेंट्स कहाँ सो रहे हैं पेरेंट्स जो हैं अगर सोएं साउथ में साउथ वेस्ट में वेस्ट में तो ऐसी दिशा में अगर पेरेंट्स सो रहे हैं तो उनकी जो अपनी होल्डिंग एबिलिटीज़ आती है जो दूसरे लोगों से यू you नो know, बात मनवाने की एबिलिटीज़ जो हैं या अपना होल्ड बनाए रखने की एबिलिटीज़ तो वो पेरेंट्स में आना बहुत ज़रूरी है तो पहले पेरेंट्स कहाँ सो रहे हैं तो दे शुड स्लीप इन साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट में सोएं दूसरा बच्चा कहाँ सो रहा है बच्चे जो है वो सो सकते हैं ईस्ट की तरफ सो जाएं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ सो जाएं तो ऐसी दिशा में सोने से क्या होगा एक तो उनको मॉर्निंग सनलाइट मिलेगी विच विल कीप देयर यू नो मेंटल पीस एंड मेंटल ग्रोथ वेरी वेरी गुड और उनका मूड भी बहुत अच्छा रखेगी दूसरा क्या होगा कि पेरेंट्स में ज़्यादा जो है होल्डिंग कैपेसिटी है डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ है और बच्चों के पास कम है तो देअर किड्स फॉर अ रीज़न सो वो बैलेंस है ना कि होल्डिंग डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो पेरेंट्स के पास नहीं सो दैट इज मच मच बेटर थिंग टू डू देन आपने कहा कि एडिक्शन

तो वो जो यूज़ है उनका तो वो उनके मेंटालिटी वो जो है वो रिड्यूस होगी तो विसर्जन किसका होगा वो उनकी यूजबिलिटी ऑफ ऑल दीज आइटम्स ताकि उनका एडिक्शन टुवर्ड्स दीज थिंग्स जो है ये कम होगा ओके ग्रेट नाइस सो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें मतलब हमें पता नहीं थे थैंक यू फॉर गाइडिंग अस विद दिस हम डेफिनेटली अपने बच्चों के लिए यूज़ करेंगे थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू यस दिव्या मैम प्लीज़ वो कहते हैं ना कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है अगर दिशाओं को बदलो तो आपकी जो किनारे हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं अमेजिंग अमेजिंग दिव्या मैम अमेजिंग तो शायर कहता है कि सवारों कुछ इस कदर अपनी शख्सियत को सवारों कुछ इस कदर अपनी शख्सियत को

बहुत सारे एजुकेटेड लोग आते हैं सभी अच्छे हैं मतलब सभी अच्छे हैं लेकिन अगर हम पढ़े लिखे लोग आते हैं बहुत ज़्यादा तो हम बड़ा लॉजिकली अपनी बात रख पाते हैं जिससे क्या है कि जो अपकमिंग जनरेशन है उनको हमारी बात लॉजिकली समझ आती है सो एवरी वन थैंक यू दिव्या मैम सभी के बिहाफ पे एंड मैं नीचे लिंक दे देता हूँ uh, मैम पढ़ा रही हैं बहुत सारे लोगों को कंसल्टेशन दे रही हैं रेगुलरली बुक हो रही हैं अगर आप भी कंसल्टेशन वास्तु की बुक करना चाहते हो साइंटिफिक तरीके से तो नीचे लिंक दे दिया गया है आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो एक बुकिंग अमाउंट वाला हम लिंक दे देंगे दे दे ताकि आप बुक कर लो एंड देन आप बात कर लेना आगे टीम से और सारी टर्म्स एंड कंडीशन जान लेना बिफोर यू फाइनली बुक इट एंड जो लोग कोर्सेज करना चाहते हैं कोर्सेज का लिंक भी हम नीचे दे देंगे ताकि आप जुड़ो एंड हर घर के हर घर के हर घर के इंडिया को हमें वास्तु कंप्लाइंट करना है सो आर एम इज की इंडिया का हर घर वास्तु वास्तुलाइंट हो और इंडिया का क्यों सारे कम्पलाइंट हो राइट right? यही हमारा विजन है एब्सोल्युटली दैट्स द एम कि लॉजिकल वास्तु जो है उसकी मुहिम जो चालू करी है वो सभी लोगों के साथ जुड़े और हम अपने जो रूट्स हैं उस पर वापस जाए और हम सीखें कि कैसे नेचर से अलाइन होकर के जीना तो वो कितना सरल है कितना आसान है ये मुहिम हर घर तक जानी चाहिए और यही मेरी इच्छा है बिल्कुल बिल्कुल एंड सो सभी लोग जुड़ो वहमो में नहीं पढ़ना किसी भी मेहनत तो करनी है हम भी ये बोल रहे हैं है, मैम भी ये बोल रहे हैं कि वहमो में नहीं पढ़ना बस यूज इट एज हेल्पिंग साइंस मेहनत तो फिर करनी है है ना सो so, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम थैंक यू थैंक यू देव थैंक यू जय श्री राम राधे राधे थैंक यू जय श्री राम राधे राधे